आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था। मित्रों, आप सब लोग जानते हैं बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां, उसी परिस्थितियों पर बात करने के लिए हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, भूमि सुधार राजस्व मंत्री राम सूरत राय जी, विधान परिषद में हमारे उपनेता नवल किशोर यादव जी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन जी आप सब लोगों के बीच में है। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करता हूं कि आप सीधे अपनी बात मीडिया के सामने रखें। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित माननीय तारकिशोर जी, माननीय मंगल पांडे जी, माननीय नितिन नवीन जी, माननीय नवल किशोर यादव जी, माननीय रामसूरत राय जी, यहाँ उपस्थित माननीय प्रेम रंजन पटेल जी और सभी प्रेस के मित्रों, 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे, उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। यह पूरे उस मैंडेट का उल्लंघन है जो मैंडेट बिहार की जनता ने दिया था, जिसके एक 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है और जो कुछ भी आज हुआ है वह न केवल भाजपा बल्कि बिहार की सारी जनता के साथ धोखा है और बिहार की जनता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।